9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। बहराइच हिंसा के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम को मुठभेड़ में गोली लगी, दोनों घायल हैं। पुलिस के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। 9 बजे की दूसरी बड़ी खबर, बहराइच मुठभेड़ पर आरोपी सरफराज की बहन ने सवाल उठाया। सरफराज की बहन रुखसाना ने कहा कि पुलिस मेरे भाई को एक दिन पहले उठाकर ले गई थी, हमें मुझे डर है कि भाई की हत्या कर दी जाएगी। वही मुठभेड़ के बाद बहराइच की एसपी वृंदा करात का बयान, कहा मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर हुआ है, दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। 9 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग न्यूज, बहराइच मुठभेड़ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि एनकाउंटर के बहाने नाकामी छिपा रही है सरकार, एनकाउंटर डराने के लिए किए जा रहे हैं, सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 9 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, बहराइच मुठभेड़ पर सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान, बोले गोलियां चलाने वालों को पुलिस माला नहीं पहनाएगी, पुलिस का काम अपराधियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, अपराध किया है तो जमीन के अंदर या जेल में रहना पड़ेगा। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, बहराइच मुठभेड़ पर गरमाई सियासत, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सवाल उठाए। इमरान मसूद ने कहा कि दुकानें जलाने वाले दंगाइयों को सजा होनी चाहिए, दंगाइयों को किसी धर्म से क्यों जोड़ते हो, जिन्होंने पूरा बाजार जला दिया, महिलाओं से बदसलूकी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। 9 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, सरकार विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख को लेकर 15 दिन बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट लखनऊ ने कहा कि गजट प्रकाशित करें, अवधेश प्रसाद के वकील की मांग, सभी को नोटिस दिया जाए। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर अन्य पिछड़े वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। वहीं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, पद की ली शपथ। दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह सैनी। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल हुए। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, सीएम सैनी संग 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज, कृष्ण चंद्र पवार, राव नरवीर सिंह ने शपथ ली, आरती राव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सैनी कैबिनेट में सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे मंत्री बने हैं। 9 बजे की अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में आज एनडीए की बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी, जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहे, 20 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। नेशनल डेवलपमेंट पर इस बैठक में चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, हमारे 2 विधायक हैं, उम्मीद है हमें 2 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 9 बजे की अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन पर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, एडवांस टिकट के नियमों में बदलाव हो गया। अब 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं यात्री, 1 नवंबर से यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं बिहार में जहरीली शराब की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई।